कहूँ तो बहुत लोगों से बात की होगी, लेकिन दिल खोलकर बात किए जमाना। अब आज जब कुछ फरमाने का मौका मेरा ही है तो जरा गौर फरमाइएगा। ये उन लोगों के लिए है जो इश्क में यकीन रखते हैं और आज की इस खूबसूरत कयामत की तलाश में है। माय सेल्फ कृपाली पटेल, हियर आई प्रेजेंट टू यू ऑल दिल की बात। कलम फिसल गई। न जाने क्यों पर उनकी यादों में मेरी वजह से जान ही निकल गई। हाँ, लोग प्यार की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन प्यार होने के बाद क्या होगा वो कोई नहीं बताता। अब इसमें ये बेचारा दिल भी क्या करे, इश्क चीज ही ऐसी है। उस हंसी हादसे के बाद नींद उड़ाकर मेरी, कहते हैं वो कि सो जाओ कल मिलेंगे। नींद उड़ाकर मेरी, कहते हैं वो कि सो जाओ कल मिलेंगे। तो अब वही हमें बताए कि फिर कल तक हम क्या करेंगे। खैर, दिल की बातें तो होती रहेगी, लेकिन मुझे ना एक शिकायत करनी है। मिलने तो कभी आते नहीं, कम से कम कागज ही भिजवा दिया करे, इसी बहाने मुझे याद कर ले। प्यार उनसे इतना था कि कागज कम पड़ गए, और उस प्यार का इजहार करते करते हम एक बार फिर फिसल गए। खैर छोड़ो, उसकी शिकायत ही क्या करनी, वो मुझे खोने का दर्द ही क्या समझेगा जब उसे कभी मेरा प्यार ही ना दिखा। मेरी इन आंखों में दिखता था, वो कमबख्त मेरे लफ्जों में ढूंढता रहा। लेकिन मैं उससे नाराज नहीं, उससे नाराज रह ही कैसे सके कोई। उसे हंसाना तो बहुत खूब आता था, लेकिन जाने के बाद वो यादें भुलाना नहीं आता था। उसे गुस्सा जरूर आता था, लेकिन मेरा दिल दुखाना नहीं आता था। वो कंबक दिल दुखाता भी कैसे, मेरा दिल ही जो उसके पास था। खैर क्या ही करें, उससे बहुत कुछ कहना है, लेकिन उसके पास वक्त कहाँ। हाँ, बस उसके स्नैप दिखते रहते हैं, कभी मिलने भी आ जाए। यादें तो तुम्हारी बहुत है मेरे पास, बस एक तुम नहीं हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी ये तस्वीरें मेरा दिल बहला नहीं सकती। क्योंकि ना वो तुम्हारी तरह मुस्कुरा नहीं सकती। है आशिकों की बातें तो होती रहेगी। Now this one is for all the single boys in the hall. नजरें मिलती है, न जाने क्यों पर उनकी हंसी जैसे बुला ही नहीं सकते। और फिर बस शुरू, यूं ही बेवजह गुनगुनाना, बेवजह मुस्कुराना, सारे लेक्चर अटेंड करना और अपने दोस्तों को भाई तेरी भाभी है करके बुलाना। लगे ऐसे जैसे कोई नशा सा चढ़ गया हो, पर क्या ही करे बाबू भैया, लड़कियों का चक्कर है, इतनी आसानी से तो खत्म होना नहीं। तो गौर फरमाइएगा, उसकी हंसी को मैं चाहने लगा, मेरा मन मुझसे कुछ कहने लगा। मैं अपने दिल की बात बताना चाहता था, जो भी कहेगी उसे मनाना चाहता था। लेकिन वो जीत किसी और के लिए थी, मैं कमबख्त उस पे मरता था। मैं सिर्फ उसके लिए एक यार था, था कोई और जिससे उसको प्यार था। Guys, don't lose hope. Now this is for all the girls who ever wanted to tell but could never tell. आज मौका है, दिल की बात कर लो, एक छोटी सी शायरी उनको भी सुना दो। सिर्फ आंखों की नजरों से नहीं, दिल की नजर से प्यार करते हैं।
सिर्फ आंखों की नजरों से नहीं दिल की नजर से प्यार करते हैं। आप दिखे या ना दिखे, आप दिखे या ना दिखे, फिर भी हम आपका दीदार करते हैं। इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से आपका, इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से आपका। मुड़के एक बार मुस्कुरा तो दीजिए, मुड़के एक बार मुस्कुरा तो दीजिए, दिल क्या हम आपके जान कुर्बान करते हैं। लड़कियां हैं सवाल तो करेंगी, उसने पूछा तुम क्यों अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते, उसने पूछा तुम क्यों अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते। हमने कहा जो सिर्फ लफ्जों में बयां हो जाए, जो सिर्फ लफ्जों में ही बयां हो जाए, उतना कम हम तुमसे प्यार नहीं करते। अगर तुम देख पाती मेरी ये चाहत की इंतहा, खुदा कसम हम तुमसे नहीं तुम हमसे मोहब्बत कर बैठते, खुदा कसम हम तुमसे नहीं तुम हमसे मोहब्बत कर बैठते। Now before ending this, I want to say something which is very close to my heart, and I have learned so far, and I hope this will be applicable to everyone sitting in the hall. Say, call it destiny or fate, but one unexpected encounter with a stranger changed my life. If people say everything change, people change, but this is going to stay with me forever. He made me realize that I cannot love someone else until I love myself. He was a dreamer who made me again believe in wishing on those shooting stars, that fairy tales do come true, and at the end, life is all about creating the memories that matter and forgetting the ones that don't, and most importantly, loving yourself before loving anyone else.